शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी नवदा जातकारापहास्ते शाटिकमालिकां विहरति पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरीं भवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणां करोम्यहम् पाणिया प्रेषाय लघु सिद्धांत कौमुदी ओम शांति शांति शांति। अथ विसर्ग संधि विसर्जनीयस्य सह वासरी सजुषोरुहु अतोरोरप्लुतादप्लुते हसी च भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी हलि सर्वेषां रोषुपि रोरि घ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः विप्रतिषेधे परं कार्यं विप्रतिषेधे परं कार्यं विप्रतिषेधे परम कार्यम। ये परिभाषा कहा जा रहा है। तुल्यबल विरोधे परम कार्यम स्यात्। तुल्यबल विरोध, इसका अर्थ बता दिया था टिप्पणी में। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोर एकत्र युगपत प्राप्तिस्तुल्यबल विरोधः, गीता प्रेस के 5 नंबर टिप्पणी में दिया। दो सूत्र हो, अलग अलग जगह पर प्राप्त हो चुके हो, चरितार्थ हो चुके हो, लब्ध अवकाश है, लब्ध अवकाश है ना, ये यो हो ते लब्ध अवकाश है। मतलब दो सूत्र जहाँ अलग अलग जगह पर यदि चरितार्थ हो चुके हो, लग चुके हो, सुनते हो ना, और ऐसे दो सूत्र एकत्र युगपत प्राप्ति, ये जगह पर एक साथ प्राप्त हो जाए, प्राप्त होना, युगपत प्राप्ति मतलब प्राप्त होना, इसको कहता है, कहा जाता है तुल्य बल विरोध। ठीक है। जैसे आ गया पुनर्प्लस रमते है कि नहीं, पुनर्प्लस रमते, यहाँ पर पुनर् में जो र था उसका लोप हो गया कि नहीं, लुप हो गया ना, हाँ, तो वहाँ पर रोरी सूत्र लग गया, तो रोरी सूत्र लग गया पुनारमते में, कहाँ पर लग गया, पुनारमते हरि रम्य शंभु राजते में लग चुका कि नहीं, कौन 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 लग चुका है, रोरी सूत्र लग चुका है, कहाँ पर, पुनारमते हरि रम्य शंभु राजते में लग चुका है, और हसीच सूत्र भी पहले लग चुका है, कहाँ पर, शिव वंद्य पीछे कि नहीं, शिव वंद्य में लग चुका है, तो दोनों लब्धावकाश है मतलब प्राप्त हो चुके हैं अलग जगह पर। ऐसे दो सूत्र कौन कौन हो गए, रोरी और हसीच सूत्र हो गया।
एक ही कार्य में मानस प्लस जो रथ है, मानस में मानस के सकार को क्या हो गया, रू, रू का रेप हो, मानर प्लस रथ यहाँ पर आया। मानस प्लस रथ में रूरी सूत्र से रेफो का लोप प्राप्त हो रहा है और हसीच सूत्र से मनर के रेफो को उकार प्राप्त हो रहा है, ठीक है नहीं? तो एक ही जगह पर मनर प्लस रथ में एक ही जगह पर रूरी सूत्र भी लग रहा है, लगने आ रहा है, और हसीच भी लगने आ रहा है, दोनों प्राप्त हो रहे। तो दोनों की प्राप्ति, दोनों का प्राप्त होना, ये कहा गया तुल्य वाला विरोध, उसको कहा गया सूत्र में भी प्रतिषेध। ऐसा भी प्रतिषेध होने पर परम कार्य में साथ, जो पर कार्य होगा, मतलब अष्टाध्यायी सूत्र को लेकर के जो उत्तर में होगा, उसका कार्य होगा, उसका कार्य होगा, समझ में आया? ये कहता है भी प्रतिषेध परम कार्य, समझ बात? ये सूत्र का अर्थ लिखो फिर, उच्चारण उच्चारण देखो, तुल्य वाला विरोधे परम कार्यम स्यात्, तुल्य वाला विरोधे परम कार्यम स्यात्, लिखो अर्थ, तुल्यवाल विरोध होने पर भी ऐसा लिखो, भी प्रतिषेध का अर्थ है तुल्यवाल विरोध, भी प्रतिषेध का अर्थ है तुल्यवाल विरोध, भी प्रतिषेध का अर्थ है तुल्यवाल विरोध, तुल्यवाल विरोध होने पर, तुल्यवाल विरोध होने पर दो सूत्र में से, दो सूत्रों में से जो सूत्र संख्या को लेकर के उत्तर में होगा, ऐसा लिखो, अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी सूत्र की संख्या को लेकर के, अष्टाध्याय के सूत्र की संख्या को लेकर के, संख्या को लेकर जो पर में होगा, जो पर में होगा, पर का अर्थ उत्तर, उत्तर में होगा, उसका कार्य होगा, उसका कार्य होगा क्या, अष्टाध्यायी सूत्र के संख्या को लेकर, अष्टाध्यायी सूत्र की संख्या को लेकर जो पर होगा, पर का अर्थ उत्तर, ब्रैकेट में उत्तर लिख दो, जो पर होगा उसी का ही कार्य होगा, उसी का ही कार्य होगा, ठीक है, हो गया। इसलिए इसलिए हसीच और रोरी, हसीच और रोरी दोनों में से रोरी का नंबर पर में है, रोरी का नंबर पर में है ना, पर में है कि नहीं? दो सूत्र का नंबर लिखो, हसीच का नंबर क्या है लिखो, देख कर लिखो, हसीचे का नंबर बोलो, हाँ 6114,
फौजी चक्का होगा 6 × 114 और रोगी का है 8 × 3 = 14 8 × 3 = 14 तो कौन पर में हुआ रोरी क्योंकि वह षष्ठ अध्याय का है हसीच ये तो अष्टम अध्याय का है पहले षष्ठ अध्याय आएगा उसके बाद अष्टम अध्याय आएगा इसलिए पर हो गया रोरी पर हो गया रोरी लिखो पर रोरी है पर रोरी सूत्र है इसलिए रोरी सूत्र से मनर के रेफो का लोप प्राप्त हुआ हो गया मनर के रेफो का लोप रेफो को लोप प्राप्त हुआ ठीक है इसी को यहाँ पर कहा गया इति लोपे प्राप्ते वृत्ति में पढ़ो इति लोपे प्राप्ते हाँ मतलब इस परिभाषा को लेकर के रोरी सूत्र से मनर के रेफो का लोप प्राप्त होने पर हो गया इसका अर्थ हुआ इति लोपे प्राप्ते इसका अर्थ हुआ ठीक है हाँ अब जो है हसीचा जो थोड़ा हंसता है वो हसीचा है ना वो तो हंसेगा हाँ तो हसीचा हंसते हुए बोल रहा है अरे भाई हाँ तुम कहाँ के हो ये तो पहले सुनो हाँ तुम कहाँ के हो पूछते ना तुम कहाँ से आए हो तुम कहाँ से तुम दूसरे राज्य से हो ये तुम्हारा प्राधान्य नहीं रहेगा है ना ये उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड का प्राधान्य रहेगा नौकरी में होता है कि नहीं इसी प्रकार हसीचा बोलता है तुम तो त्रिपादी के हो तुम तो त्रिपादी के हो किससे बोल रहा है रोरी से और मैं तो सपादी का हो मैं तो षष्ठ अध्याय का हो ना और तुम कहाँ के हो अष्टम अध्याय के तृतीय के पाद हो तो क्या होगा त्रिपादी हुआ त्रिपादी किसको बोलते हैं अष्टम अध्याय के जो तीन पाद हैं द्वितीय तृतीय चतुर्थ इसको क्या बोलते हैं त्रिपादी और उससे पहले जितने भी है उसको क्या बोलते हैं सपादी मतलब 7 अध्याय है अष्टम अध्याय के एक पाद है मतलब 7.5 को क्या बोलेंगे सपादी और अष्टम अध्याय के द्वितीय तृतीय चतुर्थ तीन पाद को क्या बोलेंगे त्रिपादी समझ में आया तो हसीचा बोलता है हंसते हुए अरे भाई तुम तो त्रिपादी के हो और हम तो मैं तो सपादी का हूँ इसलिए मेरे लिए तुम क्या हो असिद्ध हो मेरे लिए तुम तो असिद्ध हो क्यों पाणिनि ने तो पहले से बोल दिया है तुम भूल जाते हो हाँ महर्षि पाणिनि ने पहले क्या कहा पूर्वत्रा सिद्धम कहा कि नहीं पीछे गया ना असंधि में क्या सूत्र पूर्वत्रा सिद्धम तो क्या बोल दिया सपाद सप्ताधयम प्रति त्रिपादी असिद्धा कहा कि नहीं सपाद सप्ताधयम मतलब 7.5 अध्याय सूत्र के प्रति त्रिपादी का सूत्र क्या होता है असिद्ध होता है कि नहीं इसलिए तुम मेरे लिए असिद्ध हो इसलिए तुम यहाँ पर नहीं लग सकते हो असम में मैं जहाँ पर लग रहा हूँ तुम यहाँ पर नहीं लग सकते समझ में ना ठीक है तो यही बात यहाँ पर कह रहा है देखो पूर्वत्रा सिद्धम इति बोलो रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्तम एव मनोरथः देखो पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र से लिखो पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र से रोरी यह सूत्र
हसीच सूत्र के प्रति असिद्ध है क्योंकि क्योंकि रोरी सूत्र त्रिपादी का है, रोरी सूत्र त्रिपादी का है और हसीच सूत्र सपादी का है। स्पष्ट रूप से लिखो है, ठीक है। रोरी सूत्र कहाँ का है? त्रिपादी का है। हसीच सूत्र कहाँ का है? सपादी का। इसलिए सपादी के प्रति त्रिपादी क्या होता है? असिद्ध होता है। वासन भाई, इसलिए रोरी लगेगा यहाँ पर? नहीं लगेगा। हसीच लगेगा और क्या, रोरी फिर रोते रोते चला गया और क्या है? आया था फिर रो करके चला गया। इसलिए बोलते हैं उत्तम एव हसीच सूत्र से मनर के रेफ को उकार आदेश होता है। लिखो मनर प्लस रथ, मनर प्लस रथ, ठीक है, मनर प्लस रथ। तो मनर के रेफ को क्या लगेगा? उकार, हसीच सूत्र लगेगा। हसीच सूत्र से मनर के रेफ को उकार होगा, क्या होगा? उकार हो जाएगा। हो गया, लिख दिया। है ना? तो कितना हुआ? माना आगे उ आगे रथ। लिखो माना, ना पूरा है, माना उकार आगे प्लस रथ, हो गया ना? तो मन का अ आगे उ है और उ में क्या लगेगा? ओ। क्या लगेगा? क्या सूत्र लगेगा? आदगुणा। आदगुणा से गुणा हो जाएगा। व्याकरण में गुणा कितने हैं शंभु? व्याकरण में गुणा कितने होते हैं? सात गुण है। चार क्या क्या है? तो कितने बार पढ़ोगे लोग? हुए गुणों कितना नहीं पता है व्याकरण में? कितने हैं? अ ए ओ, चार कहाँ से आ गया? अ ए अधम गुणा है कि नहीं? अ ए ओ कितने हैं? तीन। फिर भी चार बोल रहे हो, अधम गुणा है सूत्र। अरे रे भाई, अरे गुण बोल रहे ना मैं, गुण तीन ही होते हैं, अ ए ओ, चार कहाँ से है ना? चलो वो तुम वो सादृश से कोई बोल रहे हैं। सादृश से मैंने पूछा गुणा किसको कहते हैं व्याकरण में? तीन होते हैं गुणा, अ ए ओ, बस। चलो हो गया नारायण। इसलिए क्या हो गया? मनो हो गया, मनो आगे रथ जोड़ दो, मनोरथ। मनोरथ मतलब क्या? मनोरथ मन की कल्पना, मनोराज्य और क्या, हो गया ना? इतना हुआ। इसी प्रकार से क्या होगा? राघवो राम, इसी प्रकार हो जाएगा। राघवो राम, लिखो राघवो राम, हो जाएगा ना? राघवो राम कैसे होगा? राघव का, राघव के बाद सकार आगे राम है, तो सब राघव राम। हाँ, अरे राघव, राघव में पहले सकार था, राघव प्लस सकार आगे राम, तो सकार को रू हुआ, रू के रेफ हुआ, रुका रेफ, तो रेफ को क्या होगा? फिर हसीच से उकार हो जाएगा। हसीच से क्या होगा? उकार किसको? र को, रेफ को। फिर गुण हो गया तो राघवो, राघवो राम, हाँ ऐसा हो जाएगा। सुन ठीक है, राघवो राम है,
आद गुण से, आद गुण से गुण हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। इसी प्रकार आज ही हाँ ठीक है। राम रमते, राघव राम, हाँ हाँ ठीक है। वहाँ पर पुनर रमते था तो राम रमते कहाँ कहा मैंने, नहीं क्या प्रश्न नहीं समझ में आया ना, फिर बोलिए फिर बोलिए। हाँ ठीक है, अच्छा, हाँ, वहाँ पर तो वहाँ पर जो है, हाँ बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, एक मिनट रुको, हाँ रामो रमते में कह रहे हो, रामो रामो प्लस रमते, रामो प्लस रमते, हाँ हाँ पुना पुना आ हो गया, आ आ नहीं 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 वहाँ पर होगा रामो रमते होगा, रामो रमते होगा। नहीं ऐसा है ना, सुनो बताता हूँ आपको, सुनिए 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 बताता हूँ। वो जो पुना रमते हुआ, आप सुन लीजिए, पुना रमते में क्या हुआ, पहले पुनर रमते क्या है, पुनर ये जो रेफो है ना, ये रेफो रू का रेफो नहीं है, क्या समझा, रू का रेफो, हाँ ठीक से आप लोग ऑनलाइन वाले भी सुनो। जैसे पुनर रमते में क्या बना, पुना रमते बना बना ना, वहाँ पर रेफो को हौची चह से उत्तर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पुनर का जो र है ना, ये रू का रेफो नहीं, इसलिए वहाँ पर क्या हो गया, रेफो का लोप हो गया, रोरी से लोप होने पर फिर ढ लोपे से दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया, पुना रमते हो गया। इतना समझ में आया, और अभी ये पूछ रहे हैं अपने शुक्ला जी, तो रामो रामर पले रमते है, रमते कहो, रामर रमते, सुनते हो, ये जो रामर में जो र है ये रू का रेफा है, क्योंकि प्रथमा एक बच्चा है ना, पुनर शब्द अव्यय है, क्या समय है, वो शब्द पुनर ही है, हाँ वो अव्यय है, क्या है, अव्यय है, सौ रू का रेफा नहीं है पुनर में, इसलिए वहाँ पर क्या नहीं लगा, हसीच नहीं लगेगा, हसीच नहीं लगेगा, इसलिए वहाँ पर उकार नहीं हुआ, तो फिर रैप का लोप हो गया रोड़ी से, फिर पूना के अ को दीर्घ हो गया, पूना रमते हो गया, ठीक समझ में आ रहा है। लेकिन जो रामो रमते है, रामो बनता है, क्या बनता है, रामो, हाँ रामो, रामो कैसे हुआ, तो यहाँ प्रथमा का एक वचन है, राम प्लस सु का सकार है, क्या है, सु का सकार, सु का सकार क्या होगा, रू का रेफ, रामर आगे रमते, रामर रमते से मनस की तरह, फिर क्या होगा, यहाँ पर रोरी लगेगा क्या, नहीं लगेगा, रामर का जो र है रू का रेफ है,
रू का रेफा है इसलिए हसीच। जैसे मानस के रकार को रेफ को क्या लगा, हसीच रोरी क्यों नहीं लगेगा, असिद्ध होने से रोरी नहीं लगेगा। तो समझ लो जहाँ पर रू का रेफ रहेगा, रू का रेफ रहेगा वहाँ पर क्या नहीं लगेगा, रोरी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हसीच से उकार हो जाएगा। समझ में बात, रामा आगे उ आगे रमते, रामा का अ आगे उ ओ हो गया, रामो होगा। शुक्ला जी ठीक है, रामो रमते इतना ध्यान में रखो। आए हाँ ये बोलना लिखा दो, ठीक है भैया लिखो। ये पॉइंट है, पॉइंट है देखो। रू का रेफ होने पर, रू का रेफ होने पर, रू का रेफ हो पूर्व में, रू का रेफ हो पूर्व में ठीक है, उत्तर में, उत्तर में भी रेफ हो, उत्तर में भी रेफ हो तो हसीच लगता है, हसीच लगता है, रोरी नहीं लगता है, रोरी नहीं लगता है, हो गया। हाँ क्या नहीं लगता है, रोरी नहीं लगता है। जैसे मनोरथ, हाँ रामो रमते लिखो, मनोरथ रामो रमते, राघवो राम, हाँ राघवो राम, यहाँ पर भी ऐसे होगा, हो गया नारायण। पॉइंट समझ में आया, क्या हो पूर्व में रू का रेफ हो, रू का रू कहाँ से आएगा, सो रू, समझ में आया। हाँ और आगे थोड़ा लिख लो दूसरा पॉइंट, रू का रेफ यदि ना हो, लिखो पूर्व में रू का रेफ ना हो ठीक है, उत्तर में भी, उत्तर में रेफ वर्ण हो, उत्तर में रेफ वर्ण हो तो पूर्व रेफ को, पूर्व रेफ को रोरी से लोप होता है, रोरी से रेफ होता है, रोरी से रेफ होता है। जैसे पुना रमते, जैसे हाँ पूर्व रेफ का लोप होता है, जैसे पुना रमते, जैसे पुना रमते, पुना रमते में पुनर्थ लिखो जल्दी जल्दी, पुना रमते में पहले क्या था, पुनर था, पुनर पुनर अव्यय है, पुनर शब्द अव्यय है, रेफ रू का नहीं है, रेफ कौन रेफ, पुनर का रेफ किसका नहीं है, रू का नहीं है, हो गया नारायण। इसलिए रोरी लगेगा, शंभु पुनर्रमते में रोरी लगेगा, हसीच क्यों नहीं लगेगा, बोलो बोलते क्यों नहीं, इतना लिखाने पर भी नहीं आ रहा है, बोलो कपिल पुनर्रमते में हसीच क्यों नहीं लगेगा, रू का रेफ होना चाहिए ना, हसीच में कब लगता है रेफो को, रू संबंधी रेफो को, पुनर में जो र है रू का है नहीं है, वो तो अव्यय है, रू का नहीं है क्योंकि, इतना समझ लो। आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखो ना, आ
हाँ, हो जाता है। तो वहाँ पर जो है ना, तो हरी आगे रू का रेफा था, क्या है वहाँ पर रू का रेफा तो है, लेकिन पूर्व में इकार है, अकार नहीं है। हसी चो कब लगता है? रू का रेफो हो लेकिन पूर्व में अकार भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्व में अकार होना चाहिए। हरी आगे रू का रेफा तो है, लेकिन रू का रेफा से पहले क्या इकार है, अकार नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा। कौन नहीं लगा? हसी चो नहीं लगे, ध्यान में रखो। रू के रेफो को जो उकार करेगा हसी चो, रेफो के पूर्व में क्या होना चाहिए? अकार होना चाहिए। सुनते हो? क्या होना चाहिए? अकार होना। जैसे जैसे मनर था ना, मनस, मनस के स को रू, रू का रेफो मनर रहा है ना, मनर आगे क्या है? रथ। र के पूर्व में क्या है? अ है, मनो का अ, इसलिए हसी चो लग गया। समझ में आ गया? हाँ, इसी बार राम और रमते भी लग गया। लेकिन हरि रम्य में हरि के बाद रू का रेफा तो है, लेकिन पूर्व में इकार है, अकार नहीं है, हरि का ही है ना, इसलिए रोरी से क्या हो गया? हरि के बाद जो र है लोप हो गया। लोप होने के बाद क्या क्या कह रहे हैं? पूर्व में अकार होना चाहिए और क्या, अकार होना चाहिए, ठीक है। ढाल रूपये से क्या हो जाएगा? फिर दीर्घ हो जाएगा। तो हरी आगे बढ़े, चलो स्पष्ट हो जाएगा। अभ्यास करोगे ना, स्पष्ट हो जाएगा, बिना अभ्यास से नहीं होता है। धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे, यहाँ पर ये लगा ये लगा, धीरे 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 बुद्धि में पड़ जाएगा, एकदम पक्का हो जाता है, ठीक है। चलो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एतत्तदोः सुलोपो कोर नया समासे हलि। एतत्तदोः सुलोपो कोर नया समासे हलि। ये लंबा सूत्र है भैया, तो देखो यह सूत्र लोप करता है, लोपों का विधान करेगा। लिखो, यह सूत्र विधि सूत्र है। विधि सूत्र है, विधि कौन सी विधि? लोप का, लोप की विधि करेगा। कौन सी विधि करेगा भैया? लोप की विधि करेगा, लोप करेगा, लोप है ना। पहले विभक्ति देख लें। एतत्तदोहो षष्टी का द्विवचन, षष्टी का द्विवचन नरण है ना। हाँ, षष्टी का द्विवचन, ठीक है। उसके बाद लिखो, हाँ सु लिखो, सु सु सु, ये सु अलग पद है, लुप्ता षष्ठी, लुप्ता षष्ठी। ये आपके लघु में ना, लघु ये लघु में ये जोड़ दिया है, सु आगे लोपो, उसको थोड़ा ऐसे करो, चिन्ह लगाओ, अलग अलग लिखो, चिन्ह लगाओ, एक क्रॉस चिन्ह लगा दो, सु और लोपो के बीच में क्या लगा देंगे? अच्छा, क्रॉस लगा दो, अलग कर दो, नहीं तो ऐसा ऐसे डंडा लगा दो, डंडा लगा दो भैया। तो क्रॉस क्यों लिखना है, ईसाइयों का क्यों करना है? ऐसे सु और लोपो के बीच में ऐसा डंडा लगा दो। डंडा लगाने से क्या होगा? सु अलग है, लोपो अलग अलग पद करो। शंभु क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है? सु और लोपो अलग अलग पद है, तो गलती में छपा है, छप गया गलती में। सु अलग पद है, लोपो अलग पद है। सु है लुप्ता षष्ठी, लिखो सु लुप्ता षष्ठी है, षष्ठी विभक्ति, लेकिन विभक्ति नहीं देख रही है, उसको बोलते हैं लुप्ता षष्ठी। लोपो प्रथमा का एक वचन, लोपो, लोपो प्रथमा का एक वचन लिख दिया। अच्छा, उसके बाद
ओको हो लिखो, ओको हो, ये भी षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन है। उसके बाद लिखो अनया समासे, अनया समासे सप्तमी का एक वचन, हली सप्तमी का एक वचन, हल्का हली। आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा, चिंता ना करो। कितना पद हुए, कितना पद हुए? हाँ छः पद है। कितने पद है? छः पद है। हैं वृत्ति देखो है, अ ककारयोर एतत् एतत् तदोर यह सुस तस्य लोपो हली न तु नय समासे। पढ़ो अककारयोर एतत् तदोर, अरे ऐसा नहीं, एतत् तदोर बोलो, यह सुस तस्य लोपो हली न तु नय समासे, ऐसे पढ़ो, पढ़ो अरे यह तो क्यों जा रहे हो भैया, एतत् तदोर यह सुस, आगे बोलो तस्य लोपो, हाँ ऐसा पढ़ना ठीक है। तो अर्थ देखो, लिखो ककार से भिन्न, नहीं ऐसा लिखो जिसमें ककार ना हो, जिसमें ककार ना हो ऐसा एतत् शब्द अथवा तत् शब्द, जिसमें ककार ना हो ऐसा एतत् शब्द और तत् शब्द के प्रथमा एक वचन सुप्रत्यय का सकार का लोप हो। सकार का लोप हो, हल वर्ण परे रहते, हल वर्ण परे रहते, परंतु नये तत्पुरुष समास में, नया तत्पुरुष नया यहाँ को आधा लिखो नया, परंतु नये समास में, हाँ नये तत्पुरुष समास में यह कार्य नहीं होगा, यह कार्य नहीं होगा। हो गया, लिख दिया ना, चलो जैसे लिखो आगे, जैसे उदाहरण, उदाहरण लिखो, ऐसा प्लस सकार, ऐसा प्लस सकार आगे विष्णु, आगे विष्णु लिख दिया। ऐसा शब्द है एतत् शब्द का, ऐसा किसका है, एतत् शब्द, यह सामने हो तो एतत् ठीक है, तो ऐसा किसका है, एतत् शब्द का पुलिंग में ऐसा। आगे जो सकार है, यह सकार सु का है, लिखो ये सकार, ऐसा के बाद जो सकार सु का है,
सुप्रत्यय का है, ठीक है। और ऐसा शब्द में ककार नहीं है, लिखो, ऐसा शब्द में ककार नहीं है। ककार कैसे आएगा बताएंगे, ककार नहीं है। और सकार के बाद, मतलब सु के सकार के बाद आगे हल लिख दो, विष्णु का ये ओकार है ना, ओकार के नीचे लकीर बनाओ, लिख दो हल, है ना शंभु, विष्णु का ये ओकार है ना, वो हल है कि नहीं, हल है। और ऐसा का वो जो सकार है वो किसका है, सुप्रत्यय का है, सुप्रत्यय का प्रथमा एक वचन है, सुप्रत्यय आता है। और ऐसा किसका है, एतत का है, ऐसा एत एत ऐसा चलेगा रूप, चिंता न करो अभी आएगा, है ना। अब संधि प्रकरण पूरी हो रही है ना, अब राम शब्द अब आ जाएगा, है ना। चलो तो इसलिए घट जाएगा, ऐसा के बाद जो सकार है इसका लोप हो जाएगा, क्या होगा, किसका सकार, ऐसा के बाद जो सकार है इसका लोप हो गया, लोप हो गया तो कितना रहा, ऐसा विष्णु हो गया ना, लिख दो ऐसा विष्णु हो गया कि नहीं। उसके बाद आगे लिखो स प्लस सकार, स दंत स, देखो आगे दिया है लोगों में दिया है, स प्लस सकार लिखो, सु का सकार, स लिखो आगे प्लस कौन सकार, दंत सकार, हाँ दंत, स प्लस दंत सकार प्लस शंभु, पुस्तक में देख कर लिखो, हो गया। ये जो स शब्द है तत् का है, लिखो जल्दी जल्दी, स शब्द तत् का है, स शब्द किसका है, तत् शब्द का है, स तौते ऐसा बनता है ना, पहले स पूरा, पहला ये स पूरा है ना, अ के साथ, वो हो गया तत् शब्द का है। आगे जो सकार है, कौन सकार, दंत सकार, वो किसका है, सु, सु मतलब प्रत्यय, प्रथमा एक वचन प्रत्यय, ठीक है। आगे शंभु का सकार वो हल में आया, आया ना, और ये कोई नए तत्पुरुष समास भी नहीं है, और कोई ककार भी नहीं है स में, है ना, इसलिए स के बाद जो दंत सकार है उसका लोप हो जाएगा, लोप हो गया तो क्या बनेगा, स शंभु, वह शंभु है, वह शंभु है, हो गया इतना। उसके बाद अकोह किम, बोलो अकोह किम, हाँ मतलब एतत् शब्द और तत् शब्द में ककार नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हाँ अकोह यदि नहीं कहते सूत्र में, अकोह है क्या, अकोर है, नहीं कहते तो लिखो जल्दी जल्दी, सूत्र में अकोह ना कहते तो, सूत्र में अकोह ना कहते तो, है ना, अन्यत्र भी लोप कार्य हो जाता, अन्यत्र भी लोप कार्य हो जाता, है ना, जहाँ पर एतद और तत् शब्द में, एतद और तत् शब्द में ककार हो, क्या हो, ककार हो, है ना, हाँ जैसे कि अगली को, जैसे कि एशक एशक, देखो आगे लिखे हैं, एशक लिखो, एशक प्लस दंत सकार, एशक प्लस दंत सकार प्लस रुद्र, प्लस रुद्र, ये जो एशक है इसमें ककार आया कि नहीं आया, हाँ ये ककार आता है अकच प्रत्यय करने पर, अकच प्रत्यय होता है ना, स्वार्थ में ये आएगा तो बताऊंगा, अकच एतत् शब्द से अकच करेंगे तो एशक बनता है, ये एशक है एतत् शब्द का है, लेकिन इसमें ककार आ गया, क्या आ गया, ककार आ गया, ठीक है। यहाँ पर ना हो,
यहाँ पर लोपकार्य ना हो, समय हो रहा है, लोपकार्य ना हो, इसलिए अको कहा गया, इसलिए अको कहा गया, हो गया ना। हाँ, इधर लोप नहीं होगा भैया, तो ऐसा को आगे सकार है, सकार का लोप होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो सकार को क्या होगा, स सौ सो रु लिखो आगे, ऐसा को आगे रेफ हो, ऐसा का प्लस रेफ हो आगे रुद्र हो गया ना, क्या लगेगा हसीच, ऐसा को के बाद जो रेफो है रेफो को उ होगा, किस तरह से हसीच, तो उ कर दो, ऐसा को आगे उ प्लस क्या है रुद्र है ना, तो ऐसा को जो उ हुआ तो और उ में क्या होगा गुण आदगुणा से, तो क्या होगा ऐसा को रुद्र हो, मतलब क्या अर्थ है यह रुद्र है, यह रुद्र है, हो गया बस। ओम धृतावसाने नटराज रायो ननाद डक्का नव पंच वारम उद्धार तो का।